हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात से हुई तबाही के बाद निरीक्षण करने पहुंचे विक्रमादित्य सिंह के अवैध खनन वाले बयान पर सरकार दो फाड़ नजर आ रही है। जहां प्रदेश में हुई आपदा के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री अवैध खनन को कारण बता रहे हैं, तो वहीं उद्योग मंत्री ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस बयान को बचकाना बयान करार दिया है। बीते दिनों प्रदेश में हुई तबाही के बाद सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने कुल्लू पहुंचे। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में हुई तबाही के लिए सिर्फ प्राकृतिक आपदा को जिम्मेवार ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने कुल्लू में भारी मात्रा में इलीगल माइनिंग की बात कही और उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी बात कही। वहीं इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि प्रदेश में जो नुकसान प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है, इसके लिए खनन को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि खनन की छुटपुट घटनाएं हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन नहीं है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि वे विक्रमादित्य सिंह के इस बयान से सहमत नहीं हैं। हर्षवर्धन चौहान ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के इस बयान को बचकाना बयान करा दिया। उन्होंने विक्रमादित्य के इस बयान पर सवाल करते हुए पूछा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में भारी बारिश से नुकसान किया है, वहां पर कहां अवैध खनन किया जा रहा था। उधर हिमाचल को पानी रोकने की सलाह देने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर पलटवार करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने इसे गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान करा दिया है। बता दें, भारी बरसात के बाद पंजाब में भी बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में भगवंत मान ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि पानी पर सेस लगाने और 7% रॉयल्टी मांगने वाला हिमाचल अपना पानी रोककर बताए। इस पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि पानी तो नीचे की ओर ही बहेगा। ऐसे संकट के समय में जब भारी बरसात से बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसी मुश्किल समय में मुख्यमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये बयान गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह बचकाना है। देखो, जो विक्रमादित्य जी ने बयान दिया, मैंने नहीं सुना है, मगर ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, दो स्थान पे या तीन स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू ज़िले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग मैं कह सकता हूँ, छुटपुट इलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पर चलती है, और जहाँ पे जो ब्यास के किनारे जो है वहाँ पे हमारी कोई माइनिंग लीजेज नहीं है, कोई हमारे कोई क्रशर्स नहीं है, और हमारे जितने भी है वो, क्योंकि माइनिंग जो है वो रिवर बेड के 100 meters के विदिन 100 meters अलाउ नहीं होती है। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है क्या, जो मंडी में कौन सी लीगल माइनिंग हो रही थी या कुल्लू के बहुत सारे क्षेत्रों में जो हुई है त्रासदी हुई है, वो इट इज़ ड्यू टू हैवी रेनफॉल, इट इज़ ड्यू टू द क्लाउड बर्स्ट, और वो पानी इतना बड़ी तादाद में पानी आया कि उसने सारे के सारे जो नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं उसको सारे को तबाही कर दिया। क्या थुनाग में और मंडी ज़िले में भी लीगल माइनिंग हो रही थी? तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ये उनका बचकानी वाली बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, छुटमुटी इलीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, कल ही बारिश थोड़ी रुकी है, और भारी नुकसान जान माल का भी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी है, बहुत नुकसान हुआ है, और इसका आंकलन जो अभी तक लगभग 4,000 करोड़ रुपए के करीब जो है वो टोटल लॉसेस हुए हैं, और ये जो फिगर है ये हो सकता है ये और ऊपर जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह में रोड्स वॉश आउट हो चुकी हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स का जो इनटेक है, विशेष करके जो लिफ्ट की स्कीम्स है, बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, चाहे वो सोलन की है, चाहे शिमला की है, और बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनका इनटेक जो है वो रिवर दरिया के किनारे से है, और वो क्योंकि डाउनपोर इतना हैवी था कि वो टोटल जो है वो वॉश आउट हो चुका है। बिजली की भी बहुत सारी स्कीम्स जो है, ट्रांसफार्मर्स है, वो जो ट्रांसमिशन लाइंस है, उनको भी जो है भारी नुकसान हुआ है, मगर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जो सरकार जो है वो युद्ध स्तर पे जो है वो उन्होंने जो है रिस्टोर करने का काम जो है वो किया है,
और जो टूरिस्ट लोग विशेष करके कुल्लू मनाली लाहौल स्पीति और किन्नौर में कोई बाहर के जो टूरिस्ट थे वो कुछ 60,000 टूरिस्टों को जो है सेफली जो है वापस घर जो है पहुंचाया गया है और उनको जो है वो सेफ स्थानों पे रखा गया है, उनको ठहरने के लिए, उनको खाने के लिए और स्टेट से बाहर निकालने की व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, और क्योंकि जो मौसम विभाग ने भी कहा है कि जो बारिश हुई है मानसून का टोटल जो रेनफॉल है उसके 30% जो है वो डाउनपोर जो है वो विद इन 3 डेज में हुआ है, और इसकी अपेक्षा और इसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं की थी, मगर नुकसान हुआ है, बहुत सारी डेथ्स भी हुई हैं, कुछ बॉडीज़ अब जो है वो निकल भी रही हैं, बहुत सारी गाड़ीज़ भी वॉश आउट हो गई हैं। तो बहुत पैमाने पे हुआ है, मगर हम ये एश्योर करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता को कि हमारा जो प्रशासन है वो लगा हुआ है और बहुत सारी रोड्स जो है उसको रिस्टोर करके ट्रैफिक जो है रिस्टोर कर दिया गया है, बहुत सारी वाटर सप्लाई स्कीम्स को भी जो है वो रिस्टोर किया गया है, कुछ रही हुई भी है, मगर विद इन 2-3 डेज जो है वो सारी की सारी जो है नॉर्मलसी जो है वो प्रदेश सरकार ले आई। सर आकलन के लिए टीम बनाई गई है, इसकी मॉनिटरिंग तो मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट से 12 के 12 जिलों से और हर डिपार्टमेंट से जो नुकसान है उसका आकलन हुआ है, मगर ये जो फिगर है ये अभी तक 4,000 करोड़ के करीब है, और इसकी एक्सपेक्टेड जो है वो और भी ज़्यादा जा सकता है। सर पिछले कल आपकी मंत्री जो है वो कुल्लू दौरे पर थे और वहाँ पर उन्होंने मीडिया में बड़ा बयान दिया है कि जो वहाँ पर त्रासदी हुई आपदा आई है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो अवैध माइनिंग भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेजर डैमेजेस जो हुए हैं वो नाले रिवर के किनारे वाले एरियाज में हुए हैं, नाले में हुए हैं, क्योंकि अब अनएक्सपेक्टेड अगर रेनफॉल हो जाएगा या किसी क्षेत्र में बादल फट जाएगा तो जो फ्लो ऑफ वाटर तो वो बहुत हाई होगा, और वो जो पानी है वो जब इतना हाई हो जाएगा, जैसे ब्यास का जो रिवर बेड है बहुत चौड़ा है, मगर इतना बारिश हुई होगी कि वो रिवर बेड के दोनों कोनों तक इतना हाई पानी चला गया कि बिल्डिंग्स को बहा कर लेके, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में अब एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि आपको नाले खाले या रिवर बेड्स के किनारे का एक कम से कम 100 या 200 मीटर में आपको अलाउ नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये त्रासदी जो है 2-4 साल में कभी ना कभी अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल और ऐसे ऐसे बादल फटते हैं कहीं ना कहीं तो वो तो डैमेज करेंगे ही करेंगे। सर वो इंडस्ट्रीज़ को जो विशेष करके जो इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ को तो नुकसान नहीं हुआ है, मगर इंडस्ट्रियल एरियाज में विशेष करके बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ में जो है और कालेआम में जो है, क्योंकि ब्रिजेस जो है वो बह गए हैं और बहुत सारी रोड्स डैमेज हुई हैं, तो इनफ्लो ऑफ जो ट्रैफिक है वो चाहे रॉ मटेरियल लाने के लिए या रॉ मटेरियल ले जाने के लिए वो भी बाधा हुई है, दिक्कत हुई है। मैंने भी जो है अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और मैंने SDM बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ उनसे बात की है, और वहाँ भी रोड्स को रिस्टोर करने का जो है वो बड़े पैमाने पे युद्ध स्तर पे जो है वो काम चला हुआ है ताकि रोड्स जो है वो रिस्टोर हों और जो इनफ्लो ऑफ रॉ मटेरियल और आउटफ्लो ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स है वो हिमाचल प्रदेश से बाहर जाए, निश्चित रूप से वो बड़े पैमाने पे जो है इन एरियाज में हम जो है कर रहे हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल और एक बचकाना सा बयान है। आज हम जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब और स्टेट्स जो है इस त्रासदी से जूझ रहे हैं, इससे हम कैसे ओवरकम करें, और ऐसे समय में एक इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना मुझे लगता है एक जिम्मेवार व्यक्ति जो पंजाब का नेतृत्व कर रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री उनके मुंह से ऐसे बयान जो है वो शोभा नहीं देते। इट इज़ एन बचकानी सी बात की उन्होंने। अब पानी जो हुआ है पानी पे जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द हैवी डाउनपोर, बादल फट गया, नदियों और नालों खालों में पानी का फ्लो भर गया, तो पानी तो ऊपर से नीचे को जाएगा ना, नीचे से पानी ऊपर को थोड़ी आएगा। ये तो एक जिम्मेवार आदमी और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हर आदमी समझता है, अगर पानी ज़्यादा आ गया तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश के लोग जिम्मेवार थोड़ी है इसके लिए, और अगर पानी ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब जो हमारे राइट्स हैं और हमारे हक हैं और जो हमारी लड़ाई है वो ख़त्म थोड़ी हो जाती है। अब वो ऐसे बात करें कि अब आप पानी ले जाओ जी, पानी तो ऊपर से नीचे आएगा, पानी ऊपर से नीचे को जाएगा, ठीक है, हमारी जो हमारी इंटर स्टेट के हमारे जो डिफरेंसेस है वो हम चाहते हैं कि हम आपस में बैठ करके उसको सेटल करें,
और ख़ास करके ऐसे समय पे जब दोनों राज्य इस चीज़ से जूझ रहे हों, उस वक़्त इन इश्यूज़ को बोलना मीडिया में और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, मैं इस बात से सहमत नहीं। ऐसे जिम्मेवार लोगों को ऐसी बात ऐसे समय में जो है वो नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, वो तो ही इज़ यूज टू इट सेइंग, वो किस किस उस कॉन्टेक्स्ट से बोला, किस तरह से बोला उन्होंने जो है वो मैं नहीं बोल सकता, मगर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को ऐसे समय में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। केंद्र सरकार पता लगा है कि 188 करोड़ रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट है, 181 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को जो है वो दिया। हम धन्यवाद करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हिमाचल प्रदेश को इस संकट के समय में जो है केंद्र सरकार जो है वो दिल खोल करके मदद करेगा, और हम विपक्ष का भी विशेष करके जो है हमारे हिमाचल प्रदेश से नेतृत्व कर रहे हैं केंद्र में, चाहे नड्डा जी हैं, चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे जयराम जी हैं, वो हिमाचल प्रदेश की केंद्र की दरबार में पैरवी करें। और मुख्यमंत्री जी ने खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, होम मिनिस्टर से भी उन्होंने बात की है, फाइनेंस मिनिस्टर से भी उन्होंने जो है टेलीफोन पे बात की है, और सभी लोगों ने हिमाचल प्रदेश को और मुख्यमंत्री जी को आश्वासन दिया है कि हिमाचल प्रदेश के संकट की घड़ी में वो जो है हिमाचल प्रदेश के दिल खोल कर भी मदद करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हमको और फंड्स जो है केंद्र से जो है वो मिलेंगे। सर, आपका दिल्ली दौरा? नहीं, जो 50th GST काउंसिल की मीटिंग जो है वो 11 तारीख को दिल्ली में हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में मैंने वहाँ भाग लिया, क्योंकि जो 49th मीटिंग हुई थी उसमें मैंने दो इश्यूज़ उठाए थे। एक तो इशू उठाया था कि जो हिमाचल प्रदेश के बाहर से गाड़ियाँ आती थी उसका हमें GST नहीं मिलता था, और उसको अभी 50th मीटिंग में जो लॉ कमेटी है, लॉ कमेटी ने उसमें हिमाचल प्रदेश की जो बात थी उसको माना, और इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल स्टेट्स, कि क्योंकि GST का कंसेप्ट है कि जो कंज्यूमर स्टेट है, जिस स्टेट में गाड़ी जाके रजिस्ट्रेशन होगी या कोई और भी सामान, जैसे हिमाचल प्रदेश में बिल्डिंग बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए और स्टेटों से बाहर से, चंडीगढ़ से और बाहर से सामान आता है, अब ये तय किया है GST काउंसिल की मीटिंग ने कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का सामान जो भी दूसरे स्टेट से आएगा, कंज्यूमर स्टेट में जाएगा, और उसमें डेस्टिनेशन स्टेट लिखना पड़ेगा, तो उसका जो GST वो है कंज्यूमर स्टेट को मिलेगा। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में चाहे कोई सा भी सामान हमारे पड़ोसी राज्यों से, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब से आएगा, वो किसी भी रूप का होगा, उसका हमको GST प्राप्त होगा, गाड़ियों का प्राप्त। इससे हमारे का जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो हमारा जो है GST जो है मुझे ऐसा लगता है 50 से 100 करोड़ रुपये तक जो है वो बढ़ेगा। मैंने मीटिंग में मुख्यमंत्री की तरफ से भी और हिमाचल सरकार की तरफ से भी फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद किया है। दूसरा जो इशू था जिसको मैंने 49 मीटिंग में भी उठाया था, क्योंकि अक्टूबर 2021 में जो कार्टन बॉक्सेस हैं, सेब के हैं और अन्य फलों के हैं, उनका GST 12% से 18% कर दिया गया था, और ये मैटर पिछली कमेटी में फिटमैन कमेटी को भेजा गया था, और उस कमेटी ने हमारे क्लेम को रिजेक्ट किया था, मगर मेरे विरोध किया मैंने इसमें 50th मीटिंग में, और मैंने कहा कि इसको रिड्यूस किया जाए क्योंकि इसका जो बोझ है वो बागवान पे पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि, उन्होंने भी सपोर्ट किया, और महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस बात से सहमति की, और हमने दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि इसको रिकंसिडर किया जाए, और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने दोबारा से फिटमैन कमेटी को फॉर रिकंसिडरेशन के लिए जो है वो दोबारा भेजा है, और हमें उम्मीद है कि हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग या उससे अगली मीटिंग में जो इसकी कमेटी की रिकमेंडेशन आएगी और वो मुझे लगता है फेवरेबल होगी। इसमें डायरेक्टर इंडस्ट्री, सेक्रेटरी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रतिनिधिमंडल था, वो हम जो है एक मेडिसिनल डिवाइस पार्क, प्राइवेट मेडिकल डिवाइस पार्क जो इंडिया में, और बल ड्रग पार्क, क्योंकि इंडिया में बल ड्रग पार्क केवल एक ही है, वो विशाखापट्टनम में, हम उसको देखने गए थे, उसको स्टडी करने गए थे, और वो बहुत इंटरनेशनल लेवल का और एक बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल के जो दोनों डिवाइस पार्क जो हैं वो है, और वहाँ पे जो है कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डिवाइस विशाखापट्टनम में है, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, उनके जो डायरेक्टर हैं जितेंद्र शर्मा जी, उनको कहा कि आप हिमाचल प्रदेश में आओ, हमें आप गाइड करो और हमें बताओ हमको अपने जो ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं इनकी स्थापना हमको किस प्रकार से करनी पड़ेगी। उन्होंने हमें दिखाया बहुत चीज़ों को दिखाया बताया है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि
हमारे यहाँ के जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिसिनल डिवाइस पार्क और बलरग पार्क जो है, वो हम एक इंटरनेशनल लेवल के जो इन दोनों को स्थापित करेंगे।